आइए बनाते हैं शक्कर पारे। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और स्वादिष्ट शक्कर पारे बन के निकलते हैं। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं कैसे बने हैं। ये देखिए, एक परात लेते हैं, इसमें डालते हैं 1 कप मैदा और लगभग उतनी ही क्वांटिटी में आटा, गेहूं का आटा। ठीक है, तो गेहूं के आटे से केवल आप बना सकते हैं, लेकिन मैदे से ना एक थोड़ा सा उसका क्रिस्पीपन और वो कलर में थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है। 1/4 कप मैंने सूजी मिला दिया है। अब क्या करेंगे ना, एक ब्लेंडर जार में डालेंगे चीनी। यहाँ लगभग मैंने 8 चम्मच चीनी ऐड किया है, तो मान के चलिए कि लगभग 1 कप के बराबर चीनी ले लिया है। और इसमें डालेंगे ये सौंफ, ठीक है, थोड़ा सा इलायची डाल देंगे फ्लेवर के लिए, और ये सारा कुछ अच्छी तरह से एक फाइन पाउडर बना लेंगे। ठीक है, तो ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए, एक फ्लेवरफुल चीनी हमारा तैयार हो गया, चीनी का पाउडर। इसको भी आटे में मिक्स कर देंगे। क्या होता है ना, इस तरीके से बनाएंगे तो आपको अलग से सौंफ या इलायची का पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आसानी से बन जाते हैं, घर में तो अवेलेबल रहते ही हैं। तो बस इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी। ठीक है, तो लगभग 1/2 कप के करीब मैंने घी ले लिया है। ये देखिए, 1/2 कप से थोड़ा कम, इसको मिला देते हैं। और इतना ही क्वांटिटी का नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ले लेते हैं। ठीक है, बस इसको गून देते हैं और एक अच्छा सा आटे का डोव बना के तैयार कर लेते हैं। ध्यान रहे, हमें ओवर नीड नहीं करना है, ज़्यादा नहीं गुनना है, बस ये अच्छे से इसको समेट लेना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आटा ज़्यादा टाइट हो गया है तो 2-4 बूंदें और ले लीजिए पानी की, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए, मैंने 1 चम्मच पानी और मिला लिया है और इसे वापस से नीट कर लेंगे। ये देखिए, ये बढ़िया सा आटे का डोव तैयार हो गया। ठीक है, इसे मैं रख देती हूँ लगभग 15 मिनट के लिए। मैंने इसे ऐसे ही स्लैब पर ढक के छोड़ दिया था। तो इसे थोड़ा सा और मार लेते हैं, क्योंकि सूजी भी पड़ी है ना, तो वो थोड़ा सा फूल गया है। ये देखिए, बहुत बढ़िया सा एक टाइट सा डोव तैयार हो गया, बढ़िया। बस इसके क्या करेंगे, लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो एक बड़ा बड़ा सा मोटा सा इस तरह से तोड़ लेंगे, और ये मैंने 4 पार्ट इसके बना लिए। अब क्या करेंगे ना, इसको बेलेंगे, जैसे रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से। तो इसे इस तरह से रख के रोलिंग पिन से, बेलन की हेल्प से, बस इसको हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे, ज़्यादा नहीं करना है, बहुत लाइट हैंडली इसे प्रेस करते हुए इस तरह करना है। ये देखिए, बहुत बढ़िया सा एक रोटी शेप का तैयार हो जाएगा। मीडियम थिकनेस का बना लेना है। ठीक है, इसको ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला, ये देखिए इस मोटाई का बना लेंगे, और साइड साइड से कट करके निकाल देंगे। इसे वापस से जो निकलेगा उसे वापस से बेल के शक्करपारे हम बना सकते हैं। तो बस इसे अपने डिजायर्ड शेप में काट लीजिए। आप इसे डायमंड शेप का दे सकते हैं, रेक्टेंगल शेप का कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ इसमें डिज़ाइन बनानी हो फोर्क वगैरह से तो वो भी कर सकते हैं। बस ये सारे मैंने थोड़े थोड़े अलग कर लिए। अब क्या करेंगे ना, कढ़ाई में घी गरम करेंगे और एक हम शक्करपारा डालकर देखते हैं कि कढ़ाई में घी अच्छे से गरम हो गया है। ध्यान रखिए, आँच बिल्कुल ही धीमी होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि तेल ज़्यादा गरम हो गया है या घी ज़्यादा गरम हो गया है, तो एक बार गैस बंद कर दीजिए और फिर थोड़ी देर बाद ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए, मैं बहुत ही धीमी एकदम स्लोएस्ट फ्लेम पे इसे कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे शक्करपारे फूलने शुरू हो गए ना, ये देखिए बहुत बढ़िया ये फूल के बड़े बड़े हो जाएंगे। बहुत धीमी आंच पे इसे सेकना है, लगभग 7 से 8 मिनट लगेंगे एक बैच के लिए। तो आप चाहें तो ऑयल ज़्यादा ले लीजिए, जिससे ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में सिक के निकले। ठीक है, ये देखिए बहुत बढ़िया गोल्डन कलर का हो गया है। बस इस स्टेज पे क्या करेंगे ना, उलट पलट के अच्छी तरह से इसको सेक लेंगे, और जब निकालना हो ना तो बस 30 सेकंड पहले थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा लीजिए, इससे ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे घी को। ये देखिए, मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है,
और ये बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। ये देखिए कितना फ्लेकी सा बनता जा रहा है ना, ये देखिए। इसे भी बनने में लगभग 8 से 10 मिनट लगा है और ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार हो गया है। इसे भी निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे शक्करपारा बन के तैयार हुए हैं और सच मानिए खाने में इतने बढ़िया और क्रिस्पी हैं और फ्लेवरफुल हैं कि पूछिए ना। मैं इसे तोड़कर भी आपको दिखाती हूँ, ये बहुत गरम गरम है तो मेरे एक हाथ में कैमरा है, दूसरे हाथ से मैं ये तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये हो जा रहा है ना, एकदम पाउडर बन जा रहा है टूट के। तो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ते बन के शक्करपारे तैयार हुए हैं। आप इसे अपने रसोई में ज़रूर ट्राई करें और मुझे लिखें, आई एम श्योर बहुत अच्छे बन के निकलेंगे। तो इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।